नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा, और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एआई तकनीक से ग्रामीण इलाकों की होगी देखरेख, सड़कों की अतिक्रमण पता लगाएगा एआई, 800 करोड़ की सालाना बचत की उम्मीद। प्रधान शिक्षकों की संशोधित रिक्ति जारी, बीपीएससी ने जारी की संशोधित कोटिवार रिक्ति, महिला कोटा समेत 2304 सीटें हुई कम। बाढ़ ने 118 किलोमीटर तटबंधों को पहुंचाया नुकसान, जल संसाधन विभाग को 512 करोड़ का नुकसान, नदियों का जलस्तर बढ़ने से तटबंधों पर बढ़ा दबाव। जमीन से जुड़े 36 तरह के दस्तावेज अब देखें मुफ्त, 30 करोड़ दस्तावेजों में से आधे से अधिक अब डिजिटल, डीएम को जमाबंदी पंजी की गुणवत्ता जांचने का निर्देश। और सरफराज खान ने अपना पहला टेस्ट शतक जमाया, अपनी शतकीय पारी में 13 चौके और 3 छक्के जमाए, शतक के जश्न में ड्रेसिंग रूम में छाई खुशी। अब खबरें विस्तार से। बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग ने एआई तकनीक का उपयोग करते हुए ग्रामीण सड़कों की देखरेख के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इस पहल से सालाना 800 करोड़ रुपए की बचत होने की संभावना है। शुक्रवार को आयोजित बैठक में अधिकारियों ने बताया कि ये तकनीक सड़कों के अतिक्रमण का पता लगाने में भी मदद करेगी। एक कंट्रोल कमांड सेंटर स्थापित किया जाएगा जो फील्ड इंजीनियरों के निरीक्षण की निगरानी करेगा, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम होगा और निरीक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा। जीआईएस आधारित प्रणाली का उपयोग करके सड़कों और पुलों का निरीक्षण किया जाएगा और अधिकारियों की गतिविधियों को एक डैशबोर्ड पर देखा जा सकेगा। मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने बिहार में लगभग 1000 करोड़ रुपए की बिजली परियोजनाओं को सैद्धांतिक सहमति दे दी है। ऊर्जा मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल के साथ बैठक में बिहार बिजली कंपनी के अधिकारियों ने इन परियोजनाओं को मंजूरी दिलवाई। डीपीआर तैयार है और जल्द ही केंद्र से राशि की मांग की जाएगी। इन परियोजनाओं के तहत पटना में 10 और अन्य शहरों में 35, कुल 45 नए पावर सब स्टेशनों का निर्माण होगा। बिहार में बिजली आपूर्ति की स्थिति सुधारने के लिए पावर सब स्टेशनों की औसत दूरी 30 से 35 किलोमीटर रखी जाएगी। अब राज्य के लोग अपनी जमीन से संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन मुफ्त में देख सकेंगे और मामूली शुल्क पर डाउनलोड भी कर सकेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने अधिकारियों को 36 प्रकार के राजस्व अभिलेखों से जमाबंदी पंजी और खतियान को शीघ्र डिजिटलाइज और स्कैन करने का निर्देश दिया है। बिहार में अब तक 28 से 30 करोड़ दस्तावेजों में से अधिक को डिजिटलाइज किया जा चुका है। इस प्रक्रिया के बाद सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज भू अभिलेख पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। डीएम को निर्देश दिया गया है कि वे जमाबंदी पंजी को स्कैन करने और उसकी गुणवत्ता जांचने का काम सुनिश्चित करें। बीपीएससी ने राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों के पदों के लिए संशोधित कोटिवार रिक्ति की घोषणा की है। पहले जहां कुल रिक्तियों की संख्या 40,247 थी, अब यह घटकर 37,943 हो गई है। कुल सीटों में 2,304 पदों की कमी आई है। विभिन्न वर्गों की महिलाओं के लिए पूर्व में 14,093 सीटें थी, जो अब 12,583 रह गई हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए रिक्तियों की संख्या 10,081 से बढ़कर 15,180 हो गई है। सामान्य वर्ग की महिलाओं की सीटें 3,529 से बढ़कर 5,312 हो गई हैं। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती की रिक्त 803 से घटकर 759 हो गई है। वही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की रिक्ति 4,018 से 3,791, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्रमशः 8,041 से 6,069 और 806 से 393 पदों में कमी आई है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की रिक्तियां 10,056 से घटकर 6,822 हो गई हैं। पिछड़ा वर्ग की रिक्तियां जो है 7,245 से घटकर 4,549 हो गई है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए पहले 1,609 पद चिन्हित किए गए थे। आयोग सचिव सत्य प्रकाश शर्मा के अनुसार ये संशोधन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया गया है। जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ ने नदियों के करीब 118 किलोमीटर तटबंधों को भारी क्षति पहुंचाई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कई स्थानों पर तटबंध तोड़े गए हैं और संरचनाओं को भी नुकसान हुआ है। इससे जल संसाधन विभाग को लगभग 512 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। विशेषज्ञों की माने तो इस बाढ़ के कारण नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है।
मुख्य अभियंता परिक्षेत्र पटना में 16, मुजफ्फरपुर में 7 और बीरपुर और कटिहार में एक एक तटबंध क्षतिग्रस्त हुए हैं। कुछ स्थानों पर पानी की गहराई 11 मीटर तक मापी गई है, जो सामान्य स्थिति की तुलना में बेहद चिंताजनक है। बिहार के चर्चित आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव को आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। संजीव हंस को बेऊर जेल में और गुलाब यादव को तिहाड़ जेल में रात बितानी पड़ी। दोनों के खिलाफ जुलाई में मामले दर्ज किए गए थे, जिसके तहत 21 स्थानों पर एक साथ छापेमारी भी की गई थी। ईडी के अनुसार संजीव हंस ने मोहाली और कसौलियों में करोड़ों की बेनामी संपत्ति खरीदी है। बता दें, संजीव हंस को 29 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। रेरा बिहार ने निवेशकों को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि अगर कोई प्रमोटर निर्धारित समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने में विफल होता है तो निवेशक खुद उसे पूरा कर सकेंगे। इस फैसले का उद्देश्य उन लोगों को सहारा देना है जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई आवासीय प्रोजेक्ट में लगाई है। रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह और सदस्य SD झा की खंडपीठ ने अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड की परियोजना IOB नगर ब्लॉक B से संबंधित मामले में ये आदेश सुनाया। इस मामले में आवंटियों के संघ द्वारा शेष विकास काम जो है खुद पूरा करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। इस फैसले के बाद निवेशक एक एसोसिएशन बनाएंगे और रेरा में मामला दर्ज कर राहत की मांग कर सकेंगे। इसके बाद वे खुद प्रोजेक्ट पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा सकेंगे। बिहार में प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ विपक्षी दलों का आंदोलन तेज है, लेकिन इसी बीच उत्तर बिहार बिजली वितरण कंपनी ने 16 अक्टूबर को एक दिन में स्मार्ट मीटर रिचार्ज से 10.83 करोड़ रुपए की कमाई कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कंपनी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर नीलेश रामचंद्र तिवरी ने बताया कि 3,83,143 उपभोक्ताओं ने इस दिन रिचार्ज करवाया है, जो अक्टूबर महीने में अब तक की सबसे उच्चतम कमाई है। ये आंकड़ा कंपनी की अक्टूबर माह की औसत दैनिक कमाई 2.73 करोड़ रुपए से कहीं अधिक है। गौरतलब है कि 18 सितंबर को कंपनी ने 7.58 करोड़ रुपए की एक दिन की कमाई का रिकॉर्ड बनाया था। बाढ़ से फसल क्षति के मामले में किसानों के आवेदन की जांच में देरी को लेकर बिहार के पटना समेत 18 जिला कृषि पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि बाढ़ से प्रभावित किसानों की संख्या काफी अधिक है, लेकिन कृषि समन्वयकों ने केवल कुछ ही आवेदनों का सत्यापन किया है। इन 18 जिलों में खगड़िया, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, भागलपुर, दरभंगा, नालंदा, मधुबनी, मधेपुरा, पूर्णिया, पटना, औरंगाबाद, सुपौल, सीतामढ़ी, लखीसराय, शिवहर, शेखपुरा, कटिहार और सहरसा शामिल है। इन जिलों में फसल क्षति के लिए राज्य सरकार ने 229,29,00,000 रुपए मुआवजे के रूप में स्वीकृत किए हैं। किसानों से फसल क्षति के दावे के आवेदन लिए जा रहे हैं और भौतिक सत्यापन के बाद उन्हें मुआवजा राशि मिलेगी। पहले चरण में 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसल क्षति का अनुमान लगाया गया है। बिहार में शिक्षा विभाग ने TRI 3 के तहत 43,306 शिक्षकों की भर्ती का रोस्टर जो है बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC को भेज दिया है। इसमें कक्षा 1 से 5 के लिए 24,902 और कक्षा 6 से 8 के लिए 18,404 पदों की रिक्तियां शामिल हैं, जो आरक्षण रोस्टर के अनुसार निर्धारित की गई हैं। हालांकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती का रोस्टर अभी तक नहीं भेजा गया है, जिससे कुल 44,468 पद रिक्त हैं। इसी बीच BPSC ने फरवरी में प्राथमिक मध्य विद्यालय, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की 87,774 पदों को भरने के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की थी। इस भर्ती में प्राथमिक शिक्षक के लिए 28,026, मध्य विद्यालय के शिक्षक के लिए 19,645, माध्यमिक शिक्षक के लिए 16,970 और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 22,373 पदों की आवश्यकता है। साथ ही 65 पद विशेष शिक्षकों के लिए निर्धारित किए गए हैं। और इधर बिहार के मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि DRI ने चाइनीज लहसुन की एक बड़ी खेप को जब्त किया है। जानकारी के अनुसार शनिवार को DRI की टीम ने एक ट्रक को रोका, जिसमें 11 टन चाइनीज लहसुन छिपा हुआ था। ये खेप नेपाल से गोरखपुर होते हुए दिल्ली भेजी जा रही थी। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया और मौके से ट्रक चालक समेत 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। वही जब्त लहसुन की कीमत लगभग
28 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार तस्कर यूपी के कानपुर के निवासी है। पूछताछ में उन्होंने अन्य तस्करों के नाम भी उजागर किए हैं, जिसके आधार पर DRI आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बिहार शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में वित्तीय अनुशासन लाने के लिए सख्त कदम उठाया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अक्टूबर वेतन भुगतान से पहले उन शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन बंद कर दिया जाएगा जिनका डाटा पे रोल मैनेजमेंट पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। शुक्रवार को आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने राज्य के 15 विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों और वित्तीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी वित्तीय नियमों और सरकारी दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करें। साथ ही विभाग ने विश्वविद्यालयों से कहा है कि वे समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करें, वरना भविष्य में दी गई राशि में कटौती की जाएगी। पटना एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 3 सदस्यीय जांच समिति ने गंभीर आरोप लगाए हैं। समिति ने उन्हें अपने पद और अधिकार का दुरुपयोग करने का दोषी ठहराया है। मंत्रालय ने 7 अक्टूबर को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें 3 दिनों के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया था। जांच रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि डॉक्टर पाल को तत्काल उनकी आधिकारिक जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाए। डॉक्टर पाल ने 10 अक्टूबर को शो कॉज के जवाब में सभी आरोपों का खंडन किया, लेकिन जब इस मामले पर उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने बोलने से साफ इनकार कर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर बिहार दौरे पर आ रही हैं और इस बार उनका कार्यक्रम जो है दरभंगा में होने वाला है। 18 और 19 नवंबर को आयोजित होने वाले क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के तहत लगभग 1,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत स्वयं निर्मला सीतारमण करेंगी। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना है और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। कार्यक्रम में इच्छुक व्यक्तियों को मौके पर ही ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्टैंड अप इंडिया और कई अन्य योजनाओं के तहत ये ऋण वितरण किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एक ऐसे युवा क्रिकेटर की जिसने मेहनत और लगन की मिसाल कायम की है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सरफराज खान की, जिन्होंने हाल ही में अपने पहले टेस्ट शतक के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना नाम रोशन किया है। सरफराज खान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जमाया और इस दौरान उन्होंने दिखाया कि दबाव में निखरने का क्या मतलब होता है। उनकी पारी ने न केवल भारतीय टीम को संकट से निकाला बल्कि दर्शकों के दिल में भी एक खास जगह बना। उन्होंने केवल 110 गेंदों में 13 चौके और 3 छक्के की मदद से अपने शतक को हासिल किया। सरफराज ने जिस नंबर 4 पोजीशन पर बल्लेबाजी की वे उनकी घरेलू टीम में नहीं, लेकिन उन्होंने उस चुनौती को भी बखूबी निभाया। इस शानदार प्रदर्शन के बाद जब सरफराज खान ने अपने शतक बनाया तो ड्रेसिंग रूम में मौजूद पूरी टीम में खुशी की लहर दौड़ गई और उनकी जमकर सराहना भी की गई। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि कुमार राम, छोटू रजा, रामनवमी मांझी, नंद कुमार सिंह, डॉक्टर कमलेश सूर्यनंदन, लालकड़, सुकांत शंकर, गौनर शर्मा, मुंशी साहू, नौसाद रजा, आयुष रीना, मोहम्मद साकिर हुसैन, कामेश्वर सिंह, अनवर करीम खान, सुभाष प्रसाद, हरिंद्र प्रजापति, अर्पण कुमार, राकेश मिश्रा, रंजीत मिश्रा, सपना कुमारी, नवल किशोर झा, प्रिंस कुमार, रवि मोहन वर्मा, संजीव कुमार, अफजल हुसैन अंसारी, रूपा कुमारी, राम बाबूदास, नरेश कुमार, बाबूलाल मरांडी, दीपेश बिहारी, नीरज कुमार, अजीमल फिरदौस, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, मोहम्मद इरफान, दीपक कुमार, प्रमोद कुमार, अर्जुन राम। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, आपको किस तरह के परिधान पहनना पसंद है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए, देखने के लिए आप बिहारी न्यूज़ देखते रहिए। और अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।